स्कॉर्पियो राशि में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो राशि कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की राशि है। थोड़ा जाते जाते प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग कर देता हूं लास्ट का। और आपकी कुंडली में आपकी राशि है सूर्य सिक्स हाउस में, और सिक्स हाउस को कंपटीशन का घर बोला जाता है, शत्रुओं का घर बोला जाता है। तो सूर्य जुपिटर के साथ, जुपिटर धर्म का कारक है। धर्म के नाम पे तो बहुत ज्यादा आपको कोई ज्यादा मुझे हेल्प होती नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप धार्मिक पक्ष से सोचें कि बहुत हेल्प मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य जो है वो जरूर आपको मदद करेगा। आपके राजनीतिक काम और कैरेक्टर से आपको बहुत ज्यादा गेन जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिक्स हाउस शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, तो आप अपने ओपोनेंट्स को जरूर मात जो है दे पाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जरूर अब से लेके मैं कहूं कि हाँ, मानिए 25 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत अच्छे आउटकम लेके आएगा। उसके बाद 25 तारीख से वैसे ही ग्रह जो है वो बदल रहा है, तो हालांकि वो ग्रह जो है वो आपके ओपोनेंट्स को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको बहुत सावधान रहना है। हालांकि सूर्य पूरी कोशिश करेगा कि आपको सपोर्ट करे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन वाले बाजी कुछ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 14 मई तक जाते जाते कुछ अच्छा ही नतीजा आपके पास आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना हवा बनी हुई है। 400 पार बातों से नहीं होता है। आप अपने साथियों को भी देखें कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिकली, ये बहुत बड़ी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ नारा दे देने से चीजें नहीं बनती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा होगा कि इस समय के दौरान आपके लिए बहुत अच्छी बात है, शक्ति आराधना वो आप करते हैं। मोदी जी के लिए उपाय है शक्ति आराधना, तो शक्ति की उपासना करने से आपके वारे न्यारे होंगे। तो आप शक्ति उपासना करें, आशीर्वाद लें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। 400 क्या 600 पार हो जाएंगे, हालांकि 600 मेंबर नहीं है।